हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई वांट टू थैंक यू एवरीवन। आप सभी मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो और उसे लाइक भी कर रहे हो। आज मैं चलिए आपको एक ड्रमस्टिक की रेसिपी लेके आई हूँ। आपको पता ही होगा कि ड्रमस्टिक कितना हेल्दी होता है, तो हम भी कुछ अच्छा हेल्दी सा रेसिपी बना रहे हो विथ टेस्ट। अभी चलिए, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑफ ग्राउंडनट लिया है, फली लिया है। फिर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट लिया है, उसमें मैंने 6 क्लोव्स डाला है, 2 इलायची डाला है, 1 सिनेमन स्टिक डाला है और 1 बेलीफ डाल के उसको अच्छे से हम रोस्ट करेंगे, उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो हम लास्ट में 1 टीस्पून ऑफ खसखस डालेंगे। हम देखिए, ये ऑलमोस्ट अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो अभी हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में आप 1 टेबल स्पून ऑयल डालिए, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा राई डाल के उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप करके अनियन लिया है बड़ा वाला, उसको अच्छे से हम पकाएंगे। जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा जब तक हम पकाएंगे अच्छे से। अभी हम इसमें 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। देखिए, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से कुक होने के बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाला था। उसके बाद मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप करके 2 टमाटोस, मीडियम साइज टमाटोस भी उसमें डाल के उसको अच्छे से पकाया है। ये देखिए, 5 मिनट्स के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर डाल के इसको अच्छे से हम पकाएंगे। ये देखिए, अच्छे से पक गई थी, तो मैंने यहाँ पर ये ड्रम स्टिक मैंने 3 लिया है वो डाल दिया था, वो क्लिप मिस हो गया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वो डाल के इसको अच्छे से मैं 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में अच्छे से कुक करेंगे हम अभी। देखिए, 5 मिनट्स हो चुका है, तो हमने जो मसाले जो हमने रेडी करके रखा हुआ था वो अभी हम डाल रहे हैं। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमें इसको भी 2 मिनट्स के लिए अच्छे से पकाना पड़ेगा। जब ये अच्छे से पक गई है तो हमें कितना वाटर चाहिए, मैंने छोटी गिलास भर के 1 गिलास पूरा वाटर डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए लो फ्लेम में 5 मिनट्स के बाद छोड़ दिया था। और देखिए, 5 मिनट्स के बाद देखिए ये थोड़ा सा जो ग्रेवी है वो रेड्यूस हो गई है। तो अगर आपको इतना ही चाहिए तो आप रख सकते हैं, बट मैंने और 5 मिनट तक पका के मुझे ये ऐसी पसंद आती है, तो मैंने इतना तक पकाया था। देखिए, जो हमारी ड्रमस्टिक करी है रेडी हो गई, इसको मैंने गार्निश किया था कोरिएंडर लीव्स और पुदीना से। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।